सबको रियलाइज हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है, मगर फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं, या फिर आप जो पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं क्या वो यूजलेस है, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। आप किसी भी चीज को इंश्योर इसलिए करते हैं कि अगर उस चीज का लॉस हो जाए तो क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग है कि आप वो लॉस बियर कर पाएंगे। सपोज फ्यूचर में आपके फैमिली मेंबर को कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है और उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़े, तो क्या आप वो हॉस्पिटल बिल बियर कर सकते हैं बिना किसी फैमिली मेंबर से बोरो करे हुए? आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, एक बार हॉस्पिटलाइजेशन पे लाखों का बिल आ जाता है। तो ऐसे में सेंसिबल यही है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर ले। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर लेने के लिए आपको क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपको सम इंश्योर्ड कितना चाहिए। सम इंश्योर्ड का मतलब है एक मैक्सिमम अमाउंट जो कि एक इंश्योरर पे करता है एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो अगर आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो मिनिमम सम इंश्योर्ड आपकी हेल्थ कवर का होना चाहिए 10 लाख, और अगर आप किसी नॉन मेट्रो में रह रहे हैं तो उसका मिनिमम सम इंश्योर्ड होना चाहिए 5 लाख। दूसरा, आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवर में क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। इंश्योरर्स बहुत सारे फीचर्स देते हैं जैसे कि नो क्लेम बोनस, रिस्टोरेशन बेनिफिट्स, फ्री हेल्थ चेकअप्स। तो आप ये देखिए कि कौन सा फीचर आपको सूट करता है, और ये भी देखना जरूरी है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस पे क्या वेटिंग पीरियड है। लास्टली आपको देखना है कि आपको किस इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ कवर लेना है। ये आप डिसाइड कर सकते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो से। क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक रेशियो होता है जो कि बताता है कि किसी इंश्योरेंस कंपनी ने कितने क्लेम सेटल करे हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब वो कंपनी हाईली केपेबल है क्लेम सेटलमेंट के लिए। आपको ये देखना भी चाहिए कि क्या वो क्लेम सेटलमेंट कैशलेस मैनर में हो रहा है या रीइंबर्समेंट फैसिलिटी है। हमेशा कैशलेस एडवाइजेबल होता है क्योंकि कैशलेस में इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम डायरेक्टली आपका बिल पे कर देती है इन अ कैशलेस मैनर। आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती। आई होप मैंने आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व करी हो। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप www.policybazaar.com पे लॉग इन कर सकते हैं।